नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बड़े हुए बिजली बिलों को लेकर भाजपा पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय रहवासियों ने सेकंड स्टॉप पर संबल योजना बंद करने को लेकर एवं गरीब के बिल माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में वार्ड नंबर 47 व 31 के भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पश्चिम विधानसभा के पार्षद राजेश खटीक एवं कई भाजपा नेता भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कमलनाथ सरकार में बिजली के बिल इतने बड़े हुए आ रहे हैं कि गरीब आदमी बिल भरने में असमर्थ है। लोगों का कहना है कि हमारा बिल हजारों रुपए आ रहा है, किसी का 2,000, किसी का 5,000 तो किसी का 10,000 और किसी का इससे भी ज्यादा आया, जबकि कमलनाथ सरकार ने कहा था कि बिजली के बिल कम होंगे, मगर जो सरकार ने कहा था वह पूरा नहीं किया, जिसके कारण आज सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पर उतरे हैं। वहीं पार्षद ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम जंगी प्रदर्शन करेंगे, बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे और अगर फिर भी नहीं माने तो सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। 17,000 लोग रहते हैं और जो संबल योजना के हितग्राही 7,000 हैं, सबके 2,000, 5,000, 10,000, 33,000 रुपए के बिजली के बिल दे दिए, जो न्याय संगत नहीं है। अगर ये आपकी बात मांगे नहीं मानी गई तो क्या करूं? तो इसके बाद हम एक जंगी प्रदर्शन करेंगे, बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे, उसके बाद भी नहीं माने गए तो सीएम हाउस का हम घेराव करेंगे। जिनके हितग्राहियों को हम जो छूट दे रहे हैं, इंदिरा गांधी ज्योति योजना के अंतर्गत छूट दिए जा रही है, इसके अंदर जो कर्मकार मंडल के अंतर्गत या श्रमिक कार्ड जिनके पास में हैं उन लोग को ये छूट मिलेगी। उसमें उनकी खपत के अनुसार जो बिल आएगा उसमें प्रथम 100 यूनिट पर 100 रुपये का बिल आएगा और 100 से ऊपर जो यूनिट्स हैं वो नॉर्मल जो टैरिफ उसके अनुसार आएगा। मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए किसी हितग्राही का बिल 225 यूनिट आता है तो 225 यूनिट में प्रथम 100 यूनिट पर 100 रुपये आएगा और बाकी जो 225 यूनिट एक्स्ट्रा बचेगी उस 225 यूनिट पर हमारा जो नॉर्मल टैरिफ लगता है घरेलू टैरिफ उसे बिल दिया जाएगा। तदनुसार ही बिल आगे महीने से प्रेषित किए जाएंगे। अभी परेशानी ये हो रही है कि सब लोग को चाहिए 100 रुपये का 100 यूनिट का बिल। कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनके पास में श्रमिक कार्ड या उनका संबल योजना के अंतर्गत उनकी हितग्राही नहीं बने हैं। वो मैं निवेदन है कि पहले वो अपना हितग्राही बने, पहले इसकी श्रमिक कार्ड बना के लेके आए, हम रजिस्टर करेंगे उनको और जिन हितग्राहियों को रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को उस छूट की पात्रता रहेगी, उनको छूट का लाभ मिलेगा। आज वार्ड 47 और 31 के पार्षद लोगों ने इस बात के लिए अनुमति चाहिए थी सभा की, हमारी जो बिजली बिल है उसको पुराने रेट पर दिया जाए और हमारे बिजली के बिल जो अभी आ रहे हैं उसको आप पुनर्विचार करें। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं जाहिद खान साहब, उन्होंने उनको जो वर्तमान नियम है और पूर्व में जो नियम है उनको उनके बारे में समझाइश दी गई। उनको ये भी बताया गया कि जो जून का बिल है वो जो पूर्व की भांति दिए जाएंगे, यदि उनके पास यदि बिल ज़्यादा है तो उसको जो है पुराने रेट से ही लिए जाएंगे और जो जुलाई का रेट जो जुलाई के बिल आएंगे उसमें प्रत्येक 100 यूनिट पर 100 रुपये और उसके बाद जो नॉर्मल रेट है उसके मुताबिक लिए जाने और ये समझाइश उनको बता दी गई है, क्योंकि उनको हो सकता है नियमों का ज्ञान नहीं रहा होगा। इसी कारण जो है उन्होंने आज हम लोगों से सभा की अनुमति चाही थी और वो चाह रहे थे कि हम लोग जो है उनसे बात करें। इसी कारण हम और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने इस क्षेत्र के जो आम जनता है वार्ड 47 और 31 के उनसे उन्होंने बात की और उनको समझाइश दे दी गई। नहीं, आम पब्लिक इनके पास जो बिल है ना आई है उस बिल पूरा बिल में जो है त्रुटि आई, उस त्रुटि के कारण उन्होंने जो है 5,000 रुपये का पुराना भी बाकी होगा ना, पुराने अवशेष ही बाकी होंगे। अवशेष ही बाकी तो वो तो अवशेष के तौर पे आता रहेगा, बहुत सारे लोग को जो है अवशेष रहते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।